हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज मैं सिखाने जा रही हूँ आपको बहुत ही सुंदर क्राफ्ट, और वो भी बहुत ही बेकार पड़ी चीज़ से। जो बच्चों के सॉफ्ट टॉय होते हैं फट जाते हैं, जिन्हें हम डस्टबिन में फेंक देते हैं, उसका हम बहुत ही सुंदर यूज़ करने वाले हैं, वो भी बहुत सिंपल, ईजी और आसान तरीके से। तो चलिए बिना डिले की हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। कैसे पेपर लिए, पहले हम कट कर लेंगे। ये मैंने लिया 5.5 इंच, 9.5 इंच, सेंटर में से इसे फोल्ड करना है और हम इसे शेप दे देते हैं। ये देखिए, ये इस तरीके से मैंने पीसेस कट कर लिए। अब हमें इन्हें आपस में ज्वाइन करना है। ज्वाइन कैसे करना है, इसे इसके ऊपर रखिए इस तरीके से, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई लगा लीजिए। इसे इसके ऊपर रखिए इस तरीके से, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए। इसे इसके ऊपर रखिए इस तरीके से, यहाँ से लेके यहाँ तक, वाह, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा ली। ये हमारा जॉइन हो गया, इस पर भी यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा ली। ये हमारा जॉइन हो गया, इस पर भी सिलाई लगा ली। ये हमारा जॉइन हो गया। इस तरीके से दो दो पीसेस जॉइन कर लिए, 1 2 3 तीनों सिलाइयाँ लगाएंगे। पहले इसे इसके ऊपर रखेंगे, इस तरीके से रख दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा, ये मैंने सिलाई लगा ली। ये भी हमारा जॉइन हो गया इस तरीके से। अब इसे रखना है, ये भी ज्वाइन हो गया इस तरीके से। अब ये वाला पीस रखिए यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा, ये मैंने सिलाई लगा ली। इसे ओपन कर लीजिए, ये लास्ट रह गया, इसे इसके ऊपर रखना है इस तरीके से। ये मैंने रख दिया, इस पर भी यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगी, ये मैंने सिलाई लगा ली। तो जब हम इसे ओपन करेंगे तो देखेंगे इस तरीके से, देखिए ये हमारा पूरी शेप बन गई। अब हमें क्या करना है, जैसे ये पीस रेडी किया ऐसे एक और पीस रेडी कर, एक पीस रेडी किया था वैसे ही मैंने एक और स्टार रेडी कर लिया इस तरीके से। तो ये दो मेरे पास रेडी हो गए, एक फ्रंट के लिए और एक हमारा बैक के लिए हो जाएगा। तो अब इसे एक में से एक पीस को साइड में रखते हैं, एक पीस ले लेते हैं और 6 इस तरीके से कंट्रास्ट फैब्रिक की मैंने और कट किए हैं। ये हमारे यहाँ साइड में लगेंगे, वहां ये हमारे इस तरीके से कंट्रास्ट में लगेंगे। लगाना कैसे है तो चलिए मैं आपको लगाना बता, ज्वाइन करेंगे। ये हमारा यहाँ पे ज्वाइन होना है इस तरीके से, तो हम यहाँ से इसे सिलाई लगाना शुरू करेंगे और यहाँ तक इसे सिलाई लगाएंगे। सारे पीसेस ज्वाइन हो गए। अब ये जो हमने बनाया था इसे हम ज्वाइन करेंगे इस तरीके से, ज्वाइन होना है। ये हमारा स्टार है, स्टार के ऊपर इस तरीके से स्टार आ जाएगा और ये वाले पीसेस हमारे इस तरीके से फोल्ड होके ज्वाइन हो जाएंगे। ज्वाइन कैसे करना है देखिए, यहाँ से इस तरीके से इसे मिलाना है, कॉर्नर मैंने मिलाया, इस कॉर्नर को रखना है यहाँ पे इस तरीके से मिलाते हुए। यहाँ से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे, गोल घुमाते हुए हम वापस यहीं पर आएंगे।
तो ये हो गया फिल करने के लिए। मैं यूज़ करने वाली इस तरीके से पुराना सॉफ्ट टॉय पड़ा है वो यूज़ कर सकते हैं, पुराना पिल्लो है उसकी कॉटन यूज़ कर सकते हैं, वेस्ट कतरन यूज़ कर सकते हैं, तो कुछ भी आपके पास अवेलेबल ऑप्शन है आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इस तरीके से ये फट चुका है बहुत ज़्यादा, से इसको फिल कर दिया। ये देखिए यहाँ से मैंने इसे अच्छे से पूरा फिल कर लिया, फ्रंट साइड बैक साइड दोनों तरफ से फिल हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ से जो थोड़ा सा ओपन है इसे हम सुई और धागे से अच्छे से स्टिच ये देखिए ओपन वाली साइड में बिल्कुल छोटे छोटे टाँके लगा के मैंने इसे क्लोज कर लिया। तो इस तरीके से देखिए फ्रंट साइड बैक साइड दोनों साइड हमारी इस तरीके से फिल हो गया। अब हम यहाँ पे इसके बटन लगाएंगे, अब हम लगाएंगे इस पे इस तरीके से फैब्रिक बटन, यहाँ पे एक इस तरफ एक दूसरी तरफ। ये बनाना कैसे आपको बटन वो मैं बता देती हूँ। कोई भी इस तरीके से बटन ले लीजिए, थोड़ी सी कॉटन पॉलीफिल कुछ भी आपके पास इस तरीके से आपको रखना है उसके ऊपर, और जिस भी कपड़े में से आप बनाना चाहते हैं और इसी तरीके से मैंने ये वाला बटन भी बनाया है। अब हम इसे सुई और धागे से अच्छे से सिल देंगे। इस तरीके से सुई में धागा ले लिया, थोड़ा पक्का धागा करना है आपको, उसके बाद इस तरीके से हम बटन में डाल लेते हैं। ये मैंने अटैच कर लिया, एक बटन इस तरफ एक इस तरफ। तो देखिए प्यारा सा सॉफ्ट सा ये हमारा पिल्लो देखिए बिल्कुल रेडी हो गया। तो बहुत ही खूबसूरत देखिए इसका डिज़ाइन लग रहा है इस तरीके से। आप इसे वॉश भी कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर हमने पॉलीफिल वाला फिल किया हुआ है, तो आप इसे जैसे सॉफ्ट टॉयज हम वॉश कर लेते हैं उसी तरीके से इसे भी आप वॉश कर सकते हैं। देखिए तो ये हमारा बिल्कुल रेडी हो गया, फ्रंट साइड बैक साइड बिल्कुल रेडी टू यूज़ है। बहुत ही अच्छा और सॉफ्ट देखिए इस तरीके से बना है, बिल्कुल रेडी हो गया।